नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिव चालीसा के बारे में। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाना और उन्हें प्रसन्न करना ही भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा बनाया गया है। शिव पुराण से शिव चालीसा को लिया गया है। शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। हिंदू धर्म में शिव चालीसा का खास महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। हिंदू धर्म में भक्त सरल भाषा में जो भगवान की प्रार्थना करता है उसे चालीसा कहते हैं। शिव चालीसा को चालीसा कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि इसमें 40 पंक्तियां हैं। शिव चालीसा के पाठ से भक्तों को चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। शिव चालीसा में महादेव की स्तुति गान है। इसको लयबद्ध पाठ करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोजाना शिव चालीसा का पाठ करने से हर तरह से भय और रोग से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल रहता है, जिससे माता लक्ष्मी का भी वास होता है। पूजा पाठ में शिव चालीसा का बहुत महत्व है। शिव चालीसा के पाठ से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। गर्भवती स्त्रियों के बच्चों की भलाई हेतु यह शिव चालीसा बेहद कारगर होता है। सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आदि विशेष तिथियों में शिव चालीसा का पाठ करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक दिन में शिव चालीसा का 11 पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि लगातार 40 दिनों तक शिव चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप शिव कृपा चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक पाठ कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। शिव चालीसा का पाठ तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में कोई विशेष कामना के लिए शिव चालीसा का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका एक नियम है। आइए हम जानते हैं कि वह क्या नियम है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, शिव चालीसा को ब्रह्म मुहूर्त में करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आसन पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अपना मुख करके आसन पर बैठ जाएं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनका जल और दुग्ध से अभिषेक करके स्वच्छ जल से उन्हें स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से उन्हें पोछें। उन्हें जनेऊ पहनाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें भस्म लगाकर अक्षत और काला तिल अर्पित करें। उन्हें 5 सफ़ेद फूल अवश्य अर्पित कीजिएगा। बेलपत्र शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। मिश्री को प्रसाद स्वरूप में वहाँ रखिए। पाठ करने से पहले गाय के घी का दीपक अवश्य जला लीजिए और एक लोटे में शुद्ध जल भर कर रखिए। लोटा अगर तांबे का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 11 शिव चालीसा का संकल्प करें और शिव चालीसा को बोल बोल कर पाठ करें। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उनको भी लाभ मिलेगा। पूरी भक्ति भाव के साथ चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ पूरा हो जाने पर लोटे का जल पूरे घर में छिड़के और थोड़ा सा जल स्वयं पी लें। मिश्री प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को बांटें और स्वयं ग्रहण करें। और हाँ दोस्तों, पाठ पूर्ण होने के पश्चात शिव जी से क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा। इससे आपने जो भी त्रुटि हुई होगी भोले शंकर क्षमा कर देंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सो हैं तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निमारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेश महमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई।
किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अगत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटौ दधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। किन्हि दया तह करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत किलंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यौ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतामे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहियान उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मुहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगामे, शारद नारद शीश नमामे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो तह शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठ प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सिर छठ हे मंत्र तु, सोवत चौसठ आन। अस्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। दोस्तों, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही उनसे प्रार्थना है। अपनी छत्र छाया में हम सभी को रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।